नमस्कार, डीएस न्यूज के खास बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्वाट एवं सर्विलांस टीम एवं थाना सत्री की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय 4 साथी लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, सिम सहित मोबाइल फोन, 2 तमंचे, कारतूस बरामद। सत्री थाना प्रभारी संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर चंद्रहास मिश्रा, संतोष कुमार शुक्ला, सर्विलांस टीम प्रभारी अंकित त्रिपाठी, मीडिया सेल अजय कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी का सराहनीय योगदान रहा। आइए दिखाते हैं दिनेश कुमार वर्मा जी के स्पेशल रिपोर्ट। ये सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और सत्री थाना पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये अपराधी लूट की घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा एक घटना संदना थाना जनपद सीतापुर में किया गया, जिसमें फर्जी आधार कार्ड से बरामद हुआ है। उससे इनके द्वारा एक ओला कैब लूटी गई। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें लूटी गई जो रामसनेही घाट से और थाना सत्रिक से लूटी गई हैं। और इसमें एक अपराधी हरदोई का रहने वाला है और 2 अपराधी यहाँ के रहने वाले हैं और 1 जनपद एटा का रहने वाला है। ये कई जनपदों को मिला के इनके द्वारा घटना कारित किया जा रहा है और तमाम घटनाओं में इनकी क्या संलिप्तता इसकी जानकारी की जा रही है। इसमें से कुछ सदस्यों के द्वारा लखनऊ में एक मर्डर करने की बात भी प्रकाश में आई है। सारी घटनाओं को देखा जा रहा है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाशी जा रही है और इन अपराधियों के पास से 2 बाइक जो लूट की घटना में प्रयुक्त होती थी लूटी गई थी और 1 आधार कार्ड जिसके आधार पर गाड़ियां बुक कराते थे, 2 तमंचे बरामद हुए हैं और इनकी और घटनाओं की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। कई जिलों के हैं क्या? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जगह जगह के रहने वाले हैं, 3 जनपदों संबंधित हैं। सुनील नाम का इसमें एक अपराधी है जो काफ़ी शातिर है और उसी के द्वारा नए नए सदस्यों को, जो प्रथम पूछताछ में आया है कि नए नए सदस्यों को इकट्ठा कर लेता है और घटनाओं को अंजाम देता है। इसके और घटनाओं की जानकारी से इसके और सदस्यों की जानकारी मिल पाएगी। सर, आश्चर्य की बात